खुशबुए रमजान। खुशबुए रमजान। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम का इरशाद पाक है कि माह रमज़ान बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। ये सब्र शुक्र और इबादत वाला महीना है। इस मुबारक इबादत का सवाब 70 दर्जा ज़्यादा है। कहते हैं कि इस माह की इबादत का अजर और सवाब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकते हैं। मैं अपनी तमाम यूट्यूबर फैमिली को खुशबुए रमज़ान में आहलन व साहलन मरहबा कहती हूँ और खुशामदीद कहती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें। चांद रात से पहले के आमाल। असर की नमाज से पहले गुस्ल कीजिए, नाखून काटिए, गैर ज़रूरी बालों को साफ कीजिए, साफ़ सुथरे कपड़े ज़ेबतन कीजिए। रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ जाए तो मगरिब की नमाज के बाद सबसे पहले चांद की दुआ मांगिए। चांद देखने की दुआ। और जब चांद नजर आ जाए तो मगरिब की नमाज के बाद आपने एक ऐसा वजीफा करना है जो निहायत ही मुजर्रब वजीफा है रिस्क में फरावानी का। आपने करना क्या है? अव्वल और आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी और इसके बाद 129 बार सूरह कौसर और 26 पारे की सूरह अल फताह एक बार पढ़नी है और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। उसके बाद इशा की नमाज की तैयारी कीजिए। मर्द हजरात मस्जिद में जाके नमाज अदा करें और तरावी पढ़ें और औरतें घर में ही तरावी का एहतमाम करें। तरावी की ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकत और घर में कम से कम आप 8 रकत पढ़ सकती हैं। तरावी की दुआ। हर 4 रकत 2 रकत की नफिल बांधिए और हर 4 रकत के बाद आपने तरावी की दुआ पढ़नी है। तरावी पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत कीजिए बमाए तर्जुमा और इस माह रमज़ान में अहद कीजिए कि आप इस दफ़ा कुरान पाक बमाए तर्जुमा और तफसीर के पढ़ेंगे और कुरान पाक को समझने की और उस पर अमल करने की अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए और हम इस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जनाब सबसे आखिर में क्या करना है कि आपने जल्दी सोना है और सहरी की तैयारी करनी है। सहरी की तैयारी के लिए आपने सबसे पहले तो जमा लेना है दही। दही जमा के रख दीजिए ताकि सहरी में काम आ सके। दही जमाने का तरीका भी इंशाल्लाह ताला अपने ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और कोशिश कीजिए कि सहरी के वक्त से आधा घंटा पहले आपकी आँख खुल जाए ताकि आप तहज्जुद अदा कर सकें, उसके बाद आप कुछ खा पी सकें और उसके बाद सहरी रख सकें और फजर की नमाज़ पढ़ सकें। ये तो था हमारा आज का इबादत भरा पहला चांद नज़र आने का ब्लॉग। आगे इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। अगर आज का ब्लॉग मेरा आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, आगे पहुँचाइएगा। सदका जारिया है, इसको सदका जारिया बनाते हुए आगे पहुँचाइए और इसी तरह हमारे साथ रहिए। आप तमाम लोगों की मेरे चैनल पर आमद का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ के बाद। खुशबुए रमजान। खुशबुए रमजान।